लेकिन आज हमारी हालत है मैडम जी की, मारा कहने आटो पापड़ का पैसा कोनी, 8,500 रुपया मन देवे, 8,500 रुपया लूण मिर्च कोनी मैडम जी, एक महीना को क्या करा, ऊपर लो कौन सुने चीड़ा भावा तो मैं बरसा दे ओला गिर दे, अब थारू अरदास करा गेलो साहब दे सुन लियो, 4,000-4,00,000 कर सका मारे में तो पावर रखा, अगर हमारी बात मानेगी तो मैं 4,00,000 वोट की क्षमता रखा। देश का अनूठा गुरुकुल केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज व स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन के लिए विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। राम राम जी, मोक्ष पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी फिलहाल मैं हूँ जयपुर और जयपुर के अंदर शहीद स्मारक है बड़े माई हूँ, और थे देख रहे होगा कि भाई जहाँ धरनो प्रदर्शन चल रहे है तो शहीद स्मारक पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर ही बस जितना भी ही जा धरनो प्रदर्शन कर रखे तो उन्होंने बातचीत करांगा, कमो कम देखा तो 100-150 का लगभग ही जा ही तो हम बातचीत करांगे कि कुछ आगे मांग है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी, बताओ जी। हमारी मुख्य मांग तो आया है मैडम जी कि मैं जदू सरकार गहलोत साहब 2013 में जदू मैंने योजना में शामिल कराया, जब मैं गहलोत साहब ने इस देश में कठे गिरने को दिया, गहलोत साहब ने जब राजस्थान को नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना में, विशेष रूप से दवा योजना में मैं हमेशा मुख्यमंत्री साहब ने हमेशा पूरे देश में अव्वल दर्जा को रखे और एकदम एक नंबर पर रखा, लेकिन आज हमारी हालत है मैडम जी की, मारा कहना आटो पापड़ का पैसा कोनी, 8,500 रुपया मन देवे, 8,500 रुपया लूण मिर्च कोनी मैडम जी, एक महीना को क्या करा, मैं चूरू आया मैडम जी। अच्छा। मैं बहुत परेशान हूँ, टाबर टिकरा रहे हैं, शादी हो चुकी है, पहले तो बिना शादी में लागे मैडम जी, तो अब टाबर टिकरा हूँ, घर चल रहा नहीं, गहलोत साहब इतनी अरदास करना चाहूँ, गहलोत साहब मैंने सुन लो, ऊपर लो कौन सुने चीड़ा भावा तो मैं बरसा दे ओला गिर दे, अब थारू अरदास करा गहलोत साहब थे सुन लियो, थारू हाथ जोड़ के निवेदन करा गहलोत साहब मारी थे अब मांग मांग लियो, क्योंकि अब मारो हक हो, मैं मारी हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आज माने जानबूझ के अठे बैठना पड़े, क्योंकि माने जो को नियम बनाए भी नियम भी शामिल कौन कर लिया, मैं किसी के अत्याचार कर दियो मैडम जी को माने नियम में शामिल कौन कराया, पिछले 13 सालों में गहलोत साहब ने एक नंबर पर रख रहे हैं, पूरे राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना में एक नंबर पर राजस्थान रह रहे हो पूरे भारतवर्ष में, तो मुख्यमंत्री साहब ना देखना चाहिए कि ए बच्चा ही 4,000 लगभग 3600 में कुछ लगभग 4,000 बच्चा है, क्या जब 1,10,000 ने आप जो को नियम है संविधान को नियम बनाए भी हम आप शामिल करने को करे, तो कम से कम माने भी शामिल करके मारे भी जो टाबर है मारा भी टाबर पालो, कम से कम मैं भी थारा भरोसा बैठा, थारा भरोसा थारा लगेड़ा थारा लगेड़ा, तो आई थी रिक्वेस्ट में थारू हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी, मेरी अरदास थी सीएम साहब तक पहुंचाओ, पूरा 33 जिला लोग आ रहे हैं, अब 50 जिला हो चुके हैं, तो 50 जिला आ गए हैं हमारे मैडम जी, तो मुख्यमंत्री साहब ने कह दियो कि जिला में थे मैं आइए बोला माने मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर ऐसी चीज हो कि आना विधानसभा लोकसभा जो भी चुनाव होगा ना, मैं एक नेटवर्क के बंदा मतलब मैं थोड़ा समझाना चाहूँ कि सारा कंप्यूटर चलावा सारा डाटा एंट्री में करा, अगर मारी बात माने गई तो सीएम साहब ने देखने की जरूरत को दोबारा सरकार में भी बना सका, मैं 4,000-4,000-4,00,000 कर सका मारे में तो पावर रखा, अगर मारी बात माने गई तो मैं 4,00,000 वोट की क्षमता रखा, मैं सीएम साहब वही दुआ करना चाहूंगा मारी बात के सुनो और मारी जो नियम मारी जो बातें हैं बात मानो। हाँ जी, राम राम जी। राम राम साहब, पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। मेरा नाम पुष्पेंद्र गुर्जर है और मैं अखिल राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ में प्रदेश अध्यक्ष पे कार्यरत हूँ, और हम आज 500 से ज़्यादा जो लड़के हैं पूरे राजस्थान से एकत्रित हुए हैं आज जयपुर धरा पर, और 27 मार्च से प्रदेश कार्यकारिणी के 11 सदस्य और मैं करौली जो हमारा प्रदेश कार्यालय हमने बना रखा है यूनियन का, वहाँ से नंगे पैर पैदल चल के करौली सॉरी जयपुर आए हैं, और हमारी 3 मांगों को लेकर हम जयपुर आए हैं। जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनका जो एक विभाग ने घालमोल करके एक नाम रख दिया था मशीन विद मैन, उस नाम को बदलकर कंप्यूटर ऑपरेटर किया जाए, क्योंकि हमारा मुख्य कार्य कंप्यूटर ऑपरेटर ही है, कंप्यूटर का कार्य ही है, जब ये ऑनलाइन कार्य जितने भी होते हैं राजस्थान मेडिकल के अंदर वो हम लोग करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी मांग है वो हमारा मांग है वेतन वृद्धि, 2015 में लास्ट वेतन हमारा 8,500 किया गया था, उसके बाद आज तक किसी प्रकार की कोई इंक्रीमेंट पर ईयर जो 10% इंक्रीमेंट था वो भी नहीं किया, तो उसको बढ़ाते हुए लगभग 18,000 के आसपास आज तनख्वाह बनती है अगर इंक्रीमेंट लगाते हैं तो 18,000 हमारी वेतन किया जाए। और तीसरी मुख्य मांग है जो संविदा रोज 2022 नियम बनाए गए हैं राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, इस नियम में हम लोगों को सम्मिलित किया जाए, क्योंकि राजस्थान सरकार का अंतिम वर्ष है, प्रत्येक वर्ग को चाहे वो किसी भी प्रकार का वर्ग हो सबको राजस्थान गवर्नमेंट कुछ ना कुछ दे रही है, तो जो उनकी जन्म दी हुई योजना है उनके कार्मिकों को भी कोई तोहफा दे, ये हमारी 3 मांगें हैं जिसको लेकर हम लोग आज जयपुर की धरा पे हैं। हमारी 3 सूत्री मांग है, एक तो संविदा रूल्स में हमारे को शामिल करने का, एक पदनाम परिवर्तन और एक वेतन वृद्धि है। मैम पिछले 10 सालों से हमारा जो
हमारा जो वेतन है वो 8,500 रुपए ही है और उसमें गुजारा करना पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से। तो उस वजह से हम लोग पिछले 3 सालों से लगातार आंदोलन करते हैं। हमें आश्वासन जरूर मिलता है पर हमारे यहाँ पे वेतन वृद्धि का जो 10% जो संविदा कर्मचारियों को वैसे मिल रहा है हर संविदा कर्मचारी को वो भी हमें नहीं मिला। हमारे को पिछले 10 सालों से यही वेतन है हमारा, उसमें भी 8,500 में से भी 1,500 हमारे को कंप्यूटर के मिलते हैं, बाकी 7,000 रुपए ही है टोटल वेतन हमारा। मुख्यमंत्री जी से हमारी यही उम्मीद है कि आश्वासन के अलावा हमें जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें भी हमारा ये चीज करवाए ताकि हम लोगों को एक सम्मानजनक वेतन मिल सके और हम लोग अपना भरण पोषण अपने परिवार का कर सके। इतना दिन हुआ था संघर्ष करता, कुछ लगे कि भाई सरकार सुनेगी? नहीं, आश्वासन तो हमेशा मिलता है और पॉजिटिव ही मिलता है। पिछली बार भी जब हम वहाँ गए हमें लगा कि हमारा काम हो गया है, लिखित में भी बोला सीएम सर ने तो बोला कि हो गया है तुम्हारा काम, पर डॉक्यूमेंट पे या हमारे को असल में वो चीज़ नहीं मिल रही है तो उसको मानना ना मानना एक ही बात हो जाती है। जब भी किसी अधिकारी से मिलते हैं वो यही कहता है कि तुम्हारा काम चल रहा है, पर कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है वो दिखाई नहीं देता कहीं भी। मैंने मांग सारी यही है क्योंकि भाई इतना दिनों इतना ही रुपया मिला। हाँ, पैसे हमारे ये के यही है 8,500, इसमें जो श्रम विभाग का जो प्लस 10 अभी लगाया था श्रम विभाग ने वो भी हमें नहीं मिलता। छोटी मोटी किसी जगह लोग कर भी देते हैं पर वो नहीं मिलता, लोग उसको पीएमओ स्तर पर नहीं माना जाता या उससे उच्च लेवल पर उसको नहीं माना जाता। यहाँ तक कि श्रम विभाग से जो अपनी जो है ना न्यूनतम वेतन वो भी हमें नहीं प्रोवाइड। तो थाने लगे है कि को वेतन आगे से बढ़े और के कुछ तरीकों से सरकार ने? 8,500 तो बहुत कम वेतन है। जब हम इस योजना में लगे थे तब तो ये वेतन हमको इतना कम नहीं लगता था, लेकिन अब जो महंगाई बढ़ गई है उस महंगाई में शुरुआत तो कितना हो गया? 6,500 और अब तो ये 8,500 कम है क्योंकि महंगाई भी बहुत बढ़ गई। और कई भाई मेरे ऐसे है इस योजना में जो लगे हुए हैं जो ओवर एज हो गए हैं, अब आज अगर ये इस नौकरी को अगर छोड़ते हैं तो उनको कहीं और रोजगार नहीं मिलना है। बस हमारी तो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से कि वो बहुत से जो गरीब परिवार है जिनका कि इस नौकरी के ऊपर ही उनका घर चल रहा है उनकी तरफ देखें। जैसे हमारे पुष्पेंद्र भाई नंगे पैर यहाँ पे बिना चप्पल के आए हैं करौली से, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए ही ये सब कर रहे हैं। तो बस हमारी यही प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से कि वो हमारा जो वेतन है सम्मानजनक वेतन हमें दे और संविदा रूल्स 2022 में हमें शामिल करें। और कोरोना काल में जब पूरा भारत बंद था, सारे विभाग बंद थे, जब चिकित्सा विभाग ही काम कर रहा था और उस कोरोना काल में भी हम लोगों ने 12-12 घंटे तक काम किया है। तो बी टाइम पर भी यूजर कि भाई कोई एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा नहीं, सबको उसमें अलग से जो प्रोत्साहन राशि सारे विभाग के सारे कर्मचारियों को मिली, सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर को ही वो राशि नहीं दी गई। सरकार या तो सुन लेगी वरना आगे को के कुछ थारू कदम रहे। सबसे पहले तो हम सरकार से यही आग्रह करें कि हम पिछले 10 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर हर समय धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और आपके आश्वासन से हम वापस काम पर भी लौटते हैं। अब सरकार जब यही कह रही है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा, तो हमारी भी मांगें सुने। यदि सरकार नहीं मानती है फिर हमें उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ना पड़ेगा और उसके लिए पूरी सरकार जिम्मेदार है। देखा तो भाई इतना सालों से लाग रही तो इतनी साल हो गई तो बोल रही कि भाई कार्रवाई कर रहे हैं तो थान लग है कि भाई अब हो जाएगी, क्योंकि कई दिन हम चल रही हूँ। हम जिस सरकार के मंत्रियों से विधायकों से सीएम साहब से खुद से मिले हैं तो उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि आपका काम हो रहा है और जल्दी ही आपका काम हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन जहाँ जा रहे सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हम मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। आगे को क्या कुछ थारू कदम रहे? आगे हम सभी कार्यकारिणी के सदस्य मिलकर सोचेंगे कि क्या रहेगा। अगर हमारे पे पॉजिटिव रिफरेंस आता है आगे से तो हम धरना समाप्त करेंगे, नहीं आता तो फिर पूरी कार्यकारिणी एक साथ मिलकर के जो डिसीजन लेगी उसमें हम सभी लोग साथ रहेंगे। और साथ ही मैं गलो सरकार से ये भी निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से लोग बाग भगवान के जाते हैं पदयात्रा में, वो हमारे भगवान तो गहलोत साहब ही हैं, हम इनकी पदयात्रा में आए हैं, हमारी मांगे जरूर सुने। जो टी शर्ट पहन रखी है पहली तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट घोषणा के अंदर मेरी कलम से अगर किसी का भला होता तो मैं जरूर पूरा करूंगा, इसके समर्थन में मतलब हमने आज टी शर्ट बनवाए हैं और हमने पहने हैं। मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन है कि हमारी जो 3 मांगे हैं वो पूर्ण की जाए। पहले भी प्रशासन और साथ साथ में ही जो सरकार है बात की या बात पहुंचाई। ये जो हमारी यूनियन है अखिल मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंदर हम पिछले विगत 2012 से इस योजना से जुड़े हुए हैं। पिछले बार भी हमने कई प्रकार से इस प्रकार से सरकार के प्रति हमने एक गांधीवादी तरीके से
आराम से व्यक्ति विशेष हिसाब से हमने प्रदर्शन किया, लेकिन आज दिनांक तक हमें केवल आश्वासन ही दिया गया, हमें किसी प्रकार का कोई अनुदान किसी प्रकार की वृद्धि नहीं किए। जितने भी इस योजना के अंदर लगे हैं सरकार के प्रति हम ये आश्वासन रखते हैं कि हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा कुछ भला हो, हम इसी आशाओं के साथ यहाँ आए हैं। तो थारा जो सुझाव कमेंट में जरूर बताओ। जय हिंद, जय राजस्थान।